हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ 1650 ग्राफिक कार्ड। तो इस वीडियो में मैं इसे इंस्टॉल करूंगा और इसके परफॉर्मेंस भी देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना देर के इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्लास्टिक दे दिया, तो मैं इसे सबसे पहले ओपन कर लेता हूं एक साइड से। तो फैन ये रहा अपना 1650 ग्राफिक कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखिए ड्यूअल फैन मिल जाता है जो ऑपोजिट घूमता है, बहुत ही कूलिंग के लिए बेस्ट है। और ये मैं वीडियो एडिटिंग के लिए आऊँ और इसे अल्ट्रा ड्यूरेबल आपको मिल जाता है। तो चलिए इसे बिना देर के इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक सील मिल जाता है, तो इस सील को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपको ये सील देख लेना है ओपन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सील पूरा पैकेज सील है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फैन ये रहा अपना देखिए ग्राफिक कार्ड। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक सील है, तो मैं इस सील को भी ओपन कर लेता हूँ। और इसे मैं धीरे से निकाल लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे दो फैन है, ये ऑपोजिट घूमेगा, तो ये बेस्ट कूलिंग के लिए है। तो आपको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे बहुत सारे आईसी है, बिल्कुल इसको टच नहीं करना है, आराम से लेना है। और मैं आपको पीछे बता देता हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको DVI का एक पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे एक आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको DV का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए 8 पिन का आपको स्लॉट मिल जाता है। तो ये आपको मदरबोर्ड से कनेक्शन देना होगा। तो चलिए बिना देर के इसे PC के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो फिर मैंने कैबिनेट को ओपन कर लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले से एक ग्राफिक कार्ड लगाया हूँ, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो मैंने इसे निकाल लिया, तो चलिए अब मैं 1650 ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करता हूँ। तो सिंपली देखिए इसे यहाँ से ओपन कर लेना है, इस स्लॉट को देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ और ये सब जैक को मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे धीरे से लगाना है, देख लेना आपको पहले फिट हो रहा है कि नहीं, नहीं तो मुझे इसे ओपन करके लगाना होगा। तो मैं चलिए इसे फिट हो रहा है कि नहीं देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं इसे ओपन करके उसके बाद यहाँ से स्लॉट में मैं फिक्स करूँगा। इस स्लॉट में आपको फिक्स करना है, तो चलिए इसे मैं फिक्स करता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे एक्यूरेटली ऑटोमेटिक फिट हो गया, देखिए यहाँ पे फिट हो चुका है। तो मैं इसे अब स्क्रू के थ्रू लॉक कर दूंगा इसे। चलिए मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने से पहले मैं इसे पावर कनेक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 8 पिन का पावर कनेक्शन है। तो चलिए इस केबल को मैं ग्राफिक कार्ड के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ अच्छी तरह से। तो फिर देखिए मैंने लगा दिया, तो इसको आपको साइड करके रखना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसे मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रू से टाइट कर दूंगा। तो चलिए मैं इसे सेट करता हूँ। तो फिर मैंने ग्राफिक कार्ड को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया, तो मुझे अब यहाँ पे एक स्क्रू लगाना होगा, इधर उधर हिल रहा है, तो इसे मैं फिक्स कर देता हूँ। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से स्क्रू लगा दिया है, तो अब ये हिलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं इसे बंद करता हूँ और उसका टेस्टिंग करते हैं कि यह ग्राफिक कार्ड किस तरह का परफॉर्म करता है। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो चलिए मैं इसे देख लेता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो सिंपली मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मुझे जाना होगा सिस्टम पे, उसके बाद परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरे डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितने, टेम्परेचर है, यहाँ पे फैन स्पीड कितने में घूम रहा है, और आपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं प्रीमियम प्रो को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग प्रीमियम प्रो में करता हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे एक वीडियो भी इनपुट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट डाल के आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इसके कितने ये लैग करता है, कितनी स्पीड में चलता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, और इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर लेने के बाद चलिए इसमें मैं एक्सटेंशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट लगाता हूँ, जो प्रीमियम कंप्रेसर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इफेक्ट लगा के देखता हूँ ये हैंग करता है कि नहीं, कितने स्मूथ चलता है। तो जैसे इस इफेक्ट को मैं लेना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया, तो चलिए इसे मैं प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ईजिली चल रहा है, कोई लेक नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं और इफेक्ट को ले कर देख लेता हूँ, मैं इसे ले कर देख लेता हूँ।
देखिए बहुत ही स्पीड में हो रहा है, इजीली मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर रहा हूँ। और देखिए ये मैंने दूसरा इफेक्ट लगाया, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इजीली कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे एक्सपोर्ट करके भी देखता हूँ। और यहाँ पे देखिए टाइम शो हो रहा है, जल्दी स्पीड में ये हो रहा है, लगभग ये 3 सेकंड का वीडियो है तो बहुत ही स्पीड में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ 1650 ग्राफिक कार्ड के इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली प्रीमियम प्रो में 4K वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। तो आप भी अगर अपने सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 1650 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ये बजट के अंदर आपके आ जाता है। फैन ये रहा 1650 ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो आई होप फैन ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसा लगा। और वीडियो के एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो हाई डिजाइन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है या ग्राफिक डिजाइन करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहां पे कॉन्टेक्ट करिए, फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।